तो हेलो एवरीवन, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके ब्लॉग्स ऑफिशियल। मैं यहाँ पर हूँ विकास कुमार। आज फिर एक वीडियो आपके सामने इसलिए कर आया हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग वॉक्स रिलेटेड टॉपिक, चाहे जो भी हो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो। ये टॉपिक मतलब इतना बड़ा भी नहीं रहता है, पर लेकिन मतलब आप ब्लॉग में इंक्लूड क्या कर सकते हो, मतलब कुछ टॉपिक उठा के आप बात करना है ब्लॉग वीडियो में। बहुत ही ऐसा नहीं कि आपको बहुत परेशान होना है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं। ब्लॉग में बस आपको अपना ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी बोलने आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी अगर बोलने आपको आ रहा है तो आप ब्लॉग वीडियो अच्छे से शूट कर सकते हो। मैं इसलिए अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, डेली मेरा अपडेट रहता है, रूटीन अपडेट कि ब्लॉग वीडियो का कि मैं मेरा ये छूटता नहीं है। जैसे बताना चाहूँगा ब्लॉग वीडियो ऐसा ही है कि ओरिजिनलिटी के साथ आई जैसा है, जो है लोग वो देखना पसंद करते हैं। आप मतलब बढ़ा चढ़ा के खुद को दिखाओगे तो ये चीज़ें नहीं रह चलेंगे। अपने आप को जो है वो सच्चाई के साथ यूट्यूब पे आई है ना, ब्लॉग वीडियो तभी आपका चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं सौरभ जोशी का आपने नाम सुना होगा, ब्लॉगर है वो भी, है ना। तो उनका भी आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा हाई नहीं रहता है, वो भी नेचुरल अपना सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रेडी होते हैं, अपना दिन भर का जो रूटीन है वो सारी चीज़ें अपने ब्लॉग वीडियो में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, तो मेरा समझाने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप उनसे खुद सीख सकते हैं कि जब वो बहुत कंटेंट नहीं चुनते हैं, बस कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं ब्लॉगिंग में। बहुत लोग कह रहे थे ब्लॉगिंग में भी स्क्रिप्टिंग को मिक्स कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉग वीडियो मतलब ब्लॉग आप किसी भी से रिलेटेड बना सकते हो, चाहे वो डेली रूटीन अपडेट हो गया, चाहे वो मॉर्निंग वॉक। देखिए, मैं अभी सुबह आया हूँ, नहा धोवा के मैं रेडी हुआ हूँ, जैसा कि देख सकते हैं, है ना। मैं जो मेरा ड्यूटी टाइम पे हूँ, मैं अभी 9 बजे से मेरा ड्यूटी रहता है, तो मैं सोचता हूँ सुबह का एक वीडियो शूट कर लूँ, एक अपडेट ब्लॉग वीडियो। तो मैं इसलिए मैं नहा करके रेडी हुआ और उसके बाद सोचा कि एक ब्लॉग वीडियो शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का बर्बादी होना नहीं चाहिए, समय का यूज होना चाहिए। क्या कि समय बार बार नहीं वापस आता, अगर ये समय निकल जाएगा अभी तो फिर वापस इस टाइम नहीं आएगा, फिर इवनिंग हो जाएगा। इसलिए सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं नहा के जस्ट रेडी हुआ हूँ, तो उस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि ब्लॉग वीडियो, अगर आप नया चैनल है तो अगर ब्लॉग वीडियो से रिलेटेड है आपका चैनल, ब्लॉग के लिए परेशान नहीं होना है। मानता हूँ कि टेक्निकल चैनल है या फूड से रिलेटेड है या कॉमेडी से रिलेटेड है तो आपका स्क्रिप्टिंग उस पर मायने करता है। लेकिन अगर आपका वो ब्लॉग चैनल है तो आप ब्लॉगिंग में अपना डेली रूटीन दिखाइए ना, क्या दिक्कत है। आप बस बोलने आना चाहिए, आपको रुकना नहीं, बोलते रहना है। ब्लॉगिंग में लोग यही नोटिस करते हैं कि बंदा जो है, क्रिएटर जो है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, वो बोल पा रहा है कि नहीं। अगर वो बोल पा रहा है तो तभी ठीक है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो लोग वहाँ से बोर होंगे, फिर वहाँ से आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है या वॉच टाइम है वो माइनस हो जाएगा। क्योंकि लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अंबिकापुर प्रतापपुर रोड का लोकेशन है, मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ अभी। अधिकतर मेरा वीडियो आपको इंडोर का नहीं आउटडोर का ज़्यादा मिलेगा इस, है ना, इंडोर का नहीं आउटडोर का ज़्यादा मिलेगा। और डेली का जैसे जो अपडेट रहता है मेरा, 9 बजे प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाता है। जो भी कंटेंट जैसा भी रहता है, तभी चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो, चाहे मोटिवेशनल से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लॉग वीडियो हो, पर आपको ये अपडेट डेली मिलता है। ऐसे ही अगर आपको अगर कंटिन्यूटी अगर वर्क करना है यूट्यूब पे, तो टाइम का आपको ध्यान देना है। जो जिस टाइमिंग पे आप देखते हैं कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो किस समय अवेलेबल रहते हैं आपके चैनल में, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है। आप ये चीज़ आप अपने एनालिटिक्स जाके यूट्यूब स्टूडियो जो ऐप होता है यूट्यूब का, जहाँ आप अपने चैनल का एनालिटिक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए वहाँ पे। आपको देखना है कि आपका जो वीडियो सजेशन में जा रहा है कि नहीं, आपका जो चाहे वो ब्लॉग वीडियो है या वो टेक्निकल वीडियो है, तो वो सजेशन में जा रहा है कि नहीं, वो कौन सा वीडियो सजेशन में जा रहा है, जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपको यूट्यूब में आगे बढ़ना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करना है आपको कि आप वीडियो अपलोड करें, ऐसा नहीं। काउंट नहीं करना है कि मेरे चैनल में 150 वीडियो हो जाएंगे या 200 वीडियो, तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है।
10 वीडियो वाले भी चैनल आज हाई लेवल पे मिलियंस में व्यूज़ पा रहे हैं या लाखों भी चल रहा है अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि कंटेंट के बेस पे काम करना है कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, लोग किस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। अगर लग रहा है कि टेक्निकल में लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं तो टेक्निकल से रिलेटेड बनाने लग जाइए। ब्लॉगिंग में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका ब्लॉग वीडियो पसंद कर रहे हैं तो ब्लॉग वाला वीडियो बनाइए। और जैसे आप यूट्यूब के स्टूडियो में जाइएगा, यूट्यूब स्टूडियो जो ऐप है यूट्यूब का, है ना, उसमें क्या रहता है, जो क्रिएटर रहते हैं अपना पूरा सब्सक्राइबर वगैरह सारा चीज़ या चैनल को मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे आप जाइएगा तो कंटेंट में जाइएगा तो नीचे जैसे आइएगा टर्म एंड टर्म कंडीशंस का जो रहता है सर्च टर्म्स, है ना, तो उसमें वो चीज़ दिखाएगा कि आपका आपके चैनल में कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसको भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कीजिए। और ये देखिए कि सजेस्टी में कौन कौन से वीडियो जा रहे हैं, है ना, तो उस टाइप के वीडियो को चैनल में इंक्लूड कीजिए, ऐसा कंटेंट बना के लोगों को दीजिए क्योंकि वो आपका सजेशन में जा रहा है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। ऑडियंस रिटेंशन कितना मिल रहा है, कितने परसेंट आपके वीडियो को देखा जा रहा है, मतलब 100 में अबव मतलब 40% से अधिक होना चाहिए, उससे कम रहता है तो फिर आपका वहाँ से वीडियो सजेशन में नहीं जाता है क्योंकि YouTube को लगता है कि आपके वीडियो में दम नहीं है, इसलिए वो आपकी वीडियो को सजेस्ट नहीं करता है। तो आपको जो भी कंटेंट बनाइए तो उसमें क्या स्टार्टिंग में सस्पेंस इंक्लूड कीजिए। आप मान लीजिए आप टेक्निकल से बना रहे हो तो वो चीज़ आप थोड़ा सा लास्ट में बताइए ताकि उसको देखने के लिए लोग पूरा लोग वीडियो वॉच करें। अगर आपको जब तक सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो वीडियो में क्या होगा कि आपका लोग वॉच नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली अगर बोलेंगे देखते हैं, अगर फिल्मों में देखा होगा आपने कि कोई फिल्म रहता है तो उसमें सस्पेंस क्रिएट किया जाता है बहुत सारे, बाहुबली सपोज़ का कि उसमें एक डायलॉग था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उस मूवी को पहला पार्ट जो रिलीज हुआ तो उसके बाद दूसरा पार्ट आया तीन साल बाद, है ना, तो तब तक सस्पेंस बना हुआ था कि क्यों मारा, उसमें जो सबसे बड़ा सा डायलॉग जो था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसके लिए पूरा मूवी सस्पेंस में चल रहा था और सस्पेंस इतना बना हुआ तो जैसे पार्ट टू उसकी आई तो भीड़ लग गया, ब्लॉकबस्टर साबित हुई मूवी। तो यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिया इस मूवी का कि आपको अपने वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना है। ब्लॉग वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत आप सस्पेंस डाल सकते हो, खैर इसमें इतना ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो गाइस कि आपको जो भी मतलब ब्लॉगिंग के लिए जहाँ भी जा रहे हो किसी प्लेस में जा रहे हो तो स्टार्टिंग से जाइए, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में लोगों को बताइए, उसके बाद कि आज हाँ मैं इस जगह पर आया हूँ, आज आपको मैं एकदम मतलब अलग चीज़ बताऊँगा अपने इस वीडियो में, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आप लोगों को वेट करना है, मतलब ऑडियंस को एक मतलब वो कर दीजिए, इंगेज रखिए अपने बीच, इंगेज आपको रखना है, जब तक वो इंगेज नहीं मिलेगा, इंगेजमेंट नहीं होगा तब तक वो आपका वीडियो मतलब वो अपना कंटेंट जो है ना वो वायरल नहीं होगा, लोग सजेशन भी नहीं जाएगा। तो इंगेजमेंट बढ़ाइए, जैसे आप जो आपके व्यूवर्स हैं वो इंगेज होंगे आपके वीडियो में, बने रहेंगे, वॉच करेंगे, पूरा वॉच टाइम अगर आपको मिलेगा तब आपका वीडियो आगे सजेशन में जाएगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहता था कि वीडियो में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना सीखिए, ब्लॉग वीडियो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी प्लेस में जा रहे हैं या कोई पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं तो इन्हें इंटरेस्टिंग के तरीके से बताइए, उनको मनोरंजन होना चाहिए कि देखिए गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ का सबसे फेमस चीज़ ये है, तो उस चीज़ को भी उसमें दिखाइए, जूम करके दिखाइए, देखिए गाइस ऐसा है ये है, मतलब एक आपको समझाने का जो है तरीका वो आपको यूनिक होना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, हमारे चैनल में सस्पेंस क्रिएट करना आपको बता दिया तब आपका वीडियो आगे रैंक करेगा। रैंक करने के बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो नया चैनल हो चाहे 10 व्यूज़ आ रहे हैं 5 व्यूज़ आ रहे हैं, उसे मतलब नहीं है, आपको कंटेंट सही देना है, तरीका आपका अपना होना चाहिए, खुद से खुद का मतलब स्टोरी बनाइए, ऐसा नहीं दूसरे को फॉलो मत कीजिए क्योंकि आप दूसरे को अगर फॉलो कर रहे हैं तो लोग ऑलरेडी उनको देख रहे हैं तो आपकी चीज़ों को क्यों देखेंगे अगर आप अगर उनको फॉलो करके चलेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि देखते कि नहीं वो ऐसा ब्लॉग वीडियो बना रहा तो उसके स्टाइल को कॉपी करेंगे कि मैं ऐसी भी ऐसा बोलूँगा, नहीं आप अपने तरीके से बोलिए क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो वो चीज़ फेमस है ऑलरेडी, वो चेहरा चल चुका है, लोग उनको देखना पसंद करेंगे ना कि आपको। तो आपको अपने कंटेंट से चलना है, तरीका आपका होना चाहिए, आपका तरीका यूट्यूब पर चलता है। अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं उनको कॉपी करके आगे बढ़ूंगा तो आप कॉपी करके किसी से आगे नहीं बढ़ पाओगे, घोड़े मतलब रेस में मत दौड़िए, अपना खुद का अलग पहचान बनाइए अगर आपको यूट्यूब पे टिकना है तो।
और आज का वीडियो अगर आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं विकास कुमार बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है VK ब्लॉग्स ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।